नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं चैनल वन। जी हां, चैनल वन आज एक दुखी खबर लेकर आया है और दुख की खबर ये है कि हिंदुस्तान के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में अब नहीं रहे। जी हां, आपको बता दें कि मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच में नहीं रहे। राजू श्रीवास्तव का बुधवार को निधन हो गया। वह 10 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट के बाद जो है हॉस्पिटल गए और एम्स में जो है उनकी जो है ट्रीटमेंट चल रहा था और वो 58 के एज में उन्होंने जो है अपने जान जो है वो गवाई है। और आपको बता दें कि एम्स के अंदर जब उनको लाया गया वो किसके कारण से जो है कार्डियक अरेस्ट हुए, क्योंकि आप जानते हैं किस तरीके से आजकल जो है जिम्स के अंदर जो है अटैक्स हो रहे हैं, उसी के चलते ये भी जिम्स के अंदर थे, ये अपनी सेहत का जो है ख्याल रख रहे थे, उसी के बीच जो है जिम के अंदर ये चीज़ होती है और उनको ये अटैक आता है और उसके बाद वो एम्स दिल्ली के लिए जो है रेफ़र किए जाते हैं। और आज जो है दुख की खबर ये है कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, बड़े बड़े चाहे पॉलिटिशियन की बात करें, चाहे हम अभिनेताओं की बात करें, पोइट की बात करें, सभी लोगों ने जो है दुख जताया है और दुख में ये बताया है कि वो एक सच्चे हिंदुस्तानी थे और एक अच्छे कॉमेडियन थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। आपको मैं बता दूं कि राजू श्रीवास्तव की पत्नी, बेटी और बेटा जो है दिल्ली में एम्स में पहुंच गए हैं और बताया जा रहा है कि राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार जो है कल सुबह 9:30 बजे होगा और 9:30 बजे जो है किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि राजू श्रीवास्तव को कौन नहीं जानता, बहुत सारे जो है उन्होंने लाफ्टर चैलेंज जो है में हिस्सा लिया है और जो पहला लाफ्टर चैलेंज उनके लिए था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में जो है उनको आने का मौका मिला था और वहीं से जो है पहचान जो है उनकी शुरू हो गई थी। और उसके बाद जो है वो जो है पॉलिटिशियन भी रहे और पॉलिटिक्स में भी आए और उसके बाद जो है वो बहुत सारी एड्स भी करते थे। आप जानते हैं कि एक हर द पेट सफ़ा को लेकर जो है एक ऐड करते थे और हमेशा जो आप टीवीज़ पे उनको देखते थे। और लॉफ्टर के में अगर बात करें तो लॉफ्टर को लेकर जो है वो हमेशा जो है आपको दिखाई देते। राजनीता में, राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति में जो है वो जो है अब सपा में पहले ले लोकसभा चुनाव के लिए सपा में टिकट मिली थी और उसके बाद जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। पीएम मोदी ने भी उन्हें जो है स्वच्छ भारत अभियान में नामांकन किया था, उनका मतलब एम्बेसडर बनाया था। इसको लेकर जो है वो जो है स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जो है बहुत सारी जगहों में, बहुत सारे शहरों में गए थे और वहाँ पर जो है इन्होंने स्वच्छता अभियान का जो है हिस्सा बने थे। राजू श्रीवास्तव को 2019 में यूपी फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो राजू श्रीवास्तव की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि उनके योगदान जो है, जो भी योगदान उनके रहे हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करें तो बहुत लंबी वीडियो ये जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अपडेट यही है और दुख की खबर यही है कि राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे। कल जो है उनका अंतिम संस्कार 9:30 बजे होगा। जी हाँ, यही खबर थी। आपको उनका किस्सा या आपको उनका कौन सा डायलॉग, कौन सी कॉमेडी सबसे अच्छी लगती थी, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जो है बताएं। फ़िलहाल सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त, फिर किसी और खबर के साथ ज़रूर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे चैनल वन।